एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अमेजोन 236 बिलियन यूएस डॉलर का कंपनी, जब कोई डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करता है तो दोस्त मजा ही आ जाता है। अमेजोन किंडल, दोस्तों अमेजोन किंडल का नाम सुन के आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक राइटर हो नहीं कि आप 5 से 10 पेज का लिख के आप उसको अमेजोन किंडल पर अपलोड करके वहां से आप पैसे कमा लो। अगर हो तो आप डायरेक्टली इसमें लिख के आप डायरेक्टली अपलोड करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन नहीं भी हो तो भी आप यहां से पैसे कमा सकते हो। मैं आज एकदम यूनिक मेथड आपको बताने वाला हूं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देख लो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी टाइम है वेस्ट नहीं जाएगा। दोस्तों Amazon Kindle पे 5 से 10 पेज का आप लिख के डायरेक्टली उसको अपलोड करके पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन सब कोई ये काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री में ई-बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो विद कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में, उसको आप बेच सकते हो डाउनलोड करने के बाद, उसको आप कोई भी एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। यानी कि एक तरफ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, दूसरा तरफ आपको अपलोड करना है और बैठे बैठे आपको पैसे कमा लेने, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। दोस्तों Amazon Kindle में एक नया फीचर आया कि वहां पे आप सीरीज भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सीरीज के बारे में नहीं डिटेल दूंगा, आपको सिंपल से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ई बुक्स को आप अपलोड कर सकते हो, एक जगह से डाउनलोड करो और दूसरा जगह सिंपल से अपलोड करो, बस इतना ही आपको करना है। तो दोस्तों इसका सारा डिटेल आज का इस वीडियो में देंगे, बस आपको वीडियो पे कंटिन्यू रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Amazon Kindle पे आप अकाउंट कैसे बनाओगे। दोस्तों इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हो और पीसी से भी कर सकते हो। मोबाइल से करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर को ओपन करके ऊपर में आपको 3 डॉट्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड वाला मोड को इनेबल कर लेना है। और पीसी में आपको सिंपल सा है, आपको गूगल पे आपको सर्च करना है Amazon Kindle सेलर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिल रहा है यही वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको कोने में यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक साइन इन का और दूसरा साइन अप का। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है Amazon में तो आप साइन अप कर लेना साइन अप वाले बटन पर क्लिक करके। यदि आपका है, आपने कभी शॉपिंग किया है Amazon के थ्रू, तो आपका अकाउंट होगा ही, तो आप सिंपल से क्या करना साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड 2 मांगा जाएगा, तो आप सिंपल सा लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा जहां आपको एग्री करने के लिए बोलेगा, तो आपको एग्री वाले बटन पे क्लिक करके सिंपल सा एग्री कर देना है। एग्री होते ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा Amazon Kindle का इस टाइप का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जहां आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीटेड। तो यहां पर आपको बगल में एक अपडेट का बटन भी देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां आपको सबसे पहले यहां कंट्री चॉइस करने के लिए बोल रहा, तो आपको यहां पर कंट्री आपको चॉइस कर लेना है। कंट्री चॉइस करने के बाद में कुछ यहां पे डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे आपका एड्रेस है और नेम है, तो इस फॉर्म को आपको सिंपल सा फिल कर लेना है। इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको नीचे में आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ बैंक डिटेल आपको फिजिकल बैंक अकाउंट देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो आप इस लाइन में आप पढ़ सकते हो। तो आपको एक फिजिकल बैंक अकाउंट देना है, नहीं है अभी आप नहीं देना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आपको नीचे में कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन का एक बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पास अपने बैंक डिटेल नहीं दिया, तो यहाँ पास आपको एक बटन देखने को मिलेगा कंटिन्यू विदाउट सेविंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये बैंक डिटेल अभी आप नहीं दिए हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको जब विड्रॉल होगा, आप जब कमा लोगे, तो आप बैंक डिटेल उस टाइम पे आपको मांगा जाएगा, तो उस टाइम आप दे देना। उसके बाद में आपको इस टाइप का एक पेज देखने को मिलेगा, जहां ऊपर में आपको इंडिविजुअल और बिजनेस एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल सा इंडिविजुअल पे क्लिक करना। उसके बाद में आपको यहां पूछा जाएगा कि यूएस से हैं, तो आप नहीं हैं, तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद में यहां पास आपको देखने को मिलेगा कि एक और ऑप्शन, तो इसमें भी आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपका नाम, तो यहां अपना नाम डाल देना। नाम के साथ में यहाँ पास कुछ और डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो इसको आपको फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पास कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो सिंपल सा इंडिया, तो इंडिया आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पास परमानेंट एक एड्रेस मांगा जाएगा, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको यहाँ देख सकते हो नीचे में एक 3 वैल्यू मांगा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या भरना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर भरना है। पैन नंबर जो होता है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना। आपका अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप घर में किसी बड़ों का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो बैंक डिटेल देना है वो उसी बड़े का आपको देना पड़ेगा। पेन डिटेल मैंने यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद में आपको नीचे एक कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पास आपको एक कंट्री मांगा जाएगा, तो आपको कंट्री ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है, तो आपको सिंपल सा कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करने बोलेगा, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना नाम को आपको यहाँ फिल कर देना है। नेम फिल करने के बाद में यहाँ पास आपका डेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पास आपको सेव एंड प्रीव्यू का एक बटन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसको आपको कंफर्म कर लेना है, इसको आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में नीचे में आपको सबमिट फॉर्म का एक बटन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो इस टाइप से आपका यहाँ अकाउंट बन चुका है अमेजोन किंडल में, आप सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों अमेजोन किंडल में हमारा अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों अब बात रहा कि यहाँ पे आप ई बुक को कैसे अपलोड करोगे, तो दोस्तों इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ई बुक को डाउनलोड करोगे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में। तो दोस्तों ई बुक को डाउनलोड करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट है जिसका नाम है idlpr.com, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा idlpr.com का, जहां आपको नीचे में इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पास ईबुक्स, वीडियोस, ग्राफिक, ऑडियोस, आर्टिकल और टेम्पलेट सारे कुछ आपको मिल जाएंगे यहां बिल्कुल फ्री में विथ कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बटन देखने को मिल रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री, तो आपको क्या करना है इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला गोल्ड मेंबर, तो जो पेड है आपको पैसा पे करके अगर आपको ईबुक चाहिए तो गोल्ड पे क्लिक करना, अगर आपको फ्री में चाहिए तो यहाँ पास फ्री मेंबर भी आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पास देख सकते हो 3 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पास 200 प्रोडक्ट जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और नीचे में आपको क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री इस टाइप का आपको बटन देखने को मिलेगा, तो इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पास इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको एक ईमेल आईडी मांग रहा, तो आप यहाँ ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी इसको फिल कर देते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको नीचे में आई एम नॉट ए रोबोट एक सिक्योरिटी पर्पस पे है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक होता है यहाँ पे आपको कुछ पूछा जाएगा जैसे चिम्मी, तो यहाँ पास आपको चिम्मी सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ चिम्मी है सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ वेरीफाई वाले बटन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। वेरीफाई होने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्लीज वेट बोल रहा है, और इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पास आप देख सकते हो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया, जिसको आपको सबसे पहले लिंक को वेरीफाई करना होगा। तो चलो मैं अपना ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। मेल आईडी पे आप देख सकते हो पहला ही मैं आ गया idplr.com वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ जो पहला जो है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, इस टाइप से आपको मांगना है, तो आपको क्या करना है इसको फिल कर देना है। इस डिटेल को फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट का एक बटन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लीज वेट लिख रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा समय देना, ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 सेकंड लगता है, देख सकते हो तुरंत ऐसा हो गया, और आपको यहाँ पास नीचे में देखने को मिल जाएगा इस टाइप से आपका अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया इस वेबसाइट में। अब आपको क्या करना है, नीचे में आपको एक बटन देखने को मिलेगा प्लीज क्लिक हेयर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, और यहाँ आपको एक फ्री प्रोडक्ट का एक बटन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको ईबुक्स, सॉफ्टवेयर, वीडियोस, ऑडियो, ग्राफिक और टेम्पलेट सारे यहाँ फ्री में मिल जाएंगे आपको विथ कॉपीराइट लाइसेंस के साथ में। तो यहाँ से अगर बुक का कोई भी आर्टिकल में यूज करना चाहते हो डायरेक्टली आर्टिकल में भी यूज कर सकते हो, ऑडियो वगैरह वीडियोस में अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ से ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, कॉपीराइट लाइसेंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ क्या करना, सिंपल सा फ्री ईबुक पे आपको क्लिक कर लेना। फ्री ईबुक पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पास बहुत सारे आपको ईबुक देखने को मिल जाएंगे, जो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ द वॉरियर मार्केटर, इस टाइप से आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, यहाँ इंटरनेट बिजनेस स्टार्टअप किट एडवांस, इस टाइप से बुक आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी ट्रेंडिंग बुक है जो अभी चल रहा है न्यू, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपल सा उस पर क्या कर सकते हो, जैसे ईबुक आपको डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में ए बुक यहाँ ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको डाउनलोड का एक बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास टोटल कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास प्रोडक्ट टर्म्स देख सकते हो कि आप इसको सेल कर सकते हो, यहाँ पास जो भी कॉपीराइट लाइसेंस है यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा, इस बुक को आप एडिट कर सकते हो, और जो भी यहाँ पास आप वेबसाइट में इसका कंटेंट अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, टोटल कॉपीराइट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ एक डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो ये जो फाइल है हमारा डाउनलोड हो चुका है, लेकिन ये जो फाइल है जीप फाइल में,
अगर आपके कंप्यूटर में विनरार नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये आपको नहीं खुलेगा। विनरार नाम का सॉफ्टवेयर को आप सिंपल से डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी में। अगर आपका फोन में है तो फोन में भी सिंपल से वही कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पर आपको स्टेक फाइल इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये स्ट्रक्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हो एक और नया फोल्डर बन चुका है, तुरंत स्ट्रक्ट हो जाएगा। इस फोल्डर पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पास आपको ढेर सारा आपको देखने को मिल जाएगा मॉड्यूल में, जहाँ सबसे पहले ई बुक है, जो मॉड्यूल वन में ई बुक है, फिर चेकलिस्ट है, यहाँ रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, सेल्फ पेज वगैरह यहाँ पास आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे देखोगे तो ग्राफिक पैकेज, सोशल मीडिया क्वाइट्स और लास्ट में आपको लाइसेंस एंड टर्म एंड कंडीशन भी मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा। जो सबसे पहला ये यहाँ पे आप इसको बेच सकते हो, इसमें कोई भी मॉडिफाइड चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इस बुक में आपको कोई कंटेंट अच्छा लगे तो उसको डायरेक्टली कॉपी करके आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो वेबसाइट पे आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, आपको सारा लाइसेंस मिल जाता है, जो आप यहाँ पढ़ लेना। उसके बाद में अगर ई बुक की बात करें तो आप यहाँ ई बुक भी देख सकते हो, काफी बेहतरीन बुक है। जो सबसे पहले यहाँ कवर पेज है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो इस कवर पेज को। उसके साथ साथ आपको नीचे में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट और ये सारा कुछ आपको ईबुक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अब आपको इसको क्लोज करना और आपको अमेजोन किंडल को ओपन कर लेना है। अमेजोन किंडल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर तीन स्टेप में ईबुक को अपलोड होगा, जो पहला आप देख सकते हो किंडल ईबुक डिटेल, दूसरा किंडल कंटेंट और तीसरा आपका प्राइसिंग है, जो आप प्राइस सेलेक्ट करके और सिंपल सा उसके बाद में आपको पब्लिश कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा डिटेल आपको दे दिया हूं, ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुकी है। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको तमाम ऑनलाइन अर्निंग मेथड आपको मिलता रहे और आप पीछे ना रहो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।